जिंदगी में अगर अपनी दशा बदलनी है तो दिशा बदल लो। तुम्हारे अंदर ऊर्जा बढ़ी है, तुम ताप दे ही नहीं रहे हो। अभी इसको बदलना है, लोहे को क्या देना पड़ेगा कि तुम ये कर ही नहीं रहे हो। तुमको अपने अंदर की काइनेटिक एनर्जी का पता ही नहीं है। तपस्या क्या है? काइनेटिक एनर्जी को एक्टिवेट करने का तरीका। लिख लो नोट करके, इधर तुमने एक्टिवेट किया उधर तुम बदले। कल मैंने ट्विटर पर लिखा कि अमीरी तुमको महान बनाती है और पैसा मूर्ख। पता नहीं किसको समझ में आया। गांधी ने लिखा है कि दोनों में फर्क क्या है। जय हिंद फ्रेंड्स। जिंदगी में अगर अपनी दशा बदलनी है तो दिशा बदल लो। क्या बदल लो? तुम्हारे अंदर ऊर्जा पड़ी है, तुम ताप दे ही नहीं रहे हो। अभी इसको बदलना है, लोहे को क्या देना पड़ेगा? हीट। इसके अंदर ऊर्जा है, कौन सी? काइनेटिक। जैसे ऊर्जा दोगे वो एक्टिवेट हो जाएगी, बस ये बदलने लगेगा। तुम ये कर ही नहीं रहे हो। तुमको अपने अंदर की काइनेटिक एनर्जी का पता ही नहीं है। तपस्या क्या है? काइनेटिक एनर्जी को एक्टिवेट करने का तरीका। लिख लो नोट करके। तुमको लगता था तपस्या मतलब परिवार छोड़ के भाग जाना। तपस्या क्या है? काइनेटिक, अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको एक्टिवेट करना, बस तुम बदल जाओगे। इधर तुमने एक्टिवेट किया उधर तुम बदले। उस काइनेटिक एनर्जी को विज्ञान क्या कहता है? स्टेमिना। पहले दिन चलोगे तो 5 किलोमीटर चल लोगे, ज्यादा से ज्यादा, तो ये सब भर जाएगा। ये हाथ वगैरह पैर वगैरह सब भर जाएगा। वो जो सोई हुई एनर्जी थी ना वो खुल रही है। फिर दूसरे दिन इच्छा नहीं होगी चलने की, बहुत दर्द हो रहा। दूसरे दिन जाओ और फैलेगी। 10 दिन बाद तुम 8 किलोमीटर चल रहे हो। कहां से आई शक्ति? अंदर थी ना। बीस दिन बाद तुम 15 किलोमीटर चल रहे हो। कहां से आई शक्ति? अंदर थी। कौन सा तुम बादाम खाने लगे आज से? मजदूर का मतलब वो व्यक्ति जिसमें उसकी रुचि नहीं है। तो बिना रुचि के जब तुम कोई काम कराओगे वो मजदूरी है, और जब तुम मजदूरी करोगे तो सफलता की कोई संभावना ही नहीं है। है? नहीं है। वो तुम कर लो मजदूरी जितना है, कौन सा मजदूर दुनिया में? अब कबीर जो है वो जो चद्दर बुनते हैं कितनी मस्ती में बुनते हैं। तुम पढ़ो कबीर का जीवन। एक चद्दर बुनते हैं 10 दिन में, फिर बाजार में ले आते हैं, फिर सबको राम कहते हैं कि राम ये तुम्हारे लिए बुनी है। एक मूवी है हिंदी में सौदागर, पुरानी मूवी है। कौन हीरो है? एक्टर अमिताभ बच्चन। आज उस मूवी को देखना जाके, उसमें जो उसकी वाइफ होती है वो खांड बनाती है गुड़, इसका नारियल का, और वो इतने मन से बनाती है, इतने भाव से बनाती है कि जैसे वो गुड़ बाजार लाता है सब एक घंटे में बिक जाता है। मतलब यहां वो बाजार में आके बैठा है, यहां बिका। फिर क्या होता है, उस बड़ी प्यारी मूवी भाव को प्रदर्शित करती कि भाव कितनी कीमती चीज है दुनिया। फिर क्या होता है कि वो उसका किसी और से अफेयर हो जाता है,
वो उससे शादी कर लेता, वो भी गुड़ बनाती है, तीन तीन चार चार दिन गुड़ ही नहीं बिकता, भिकमरी भिकमंगा बना आता है घर में। तुमको सिर्फ तुम मजदूर थोड़ी हो यार कि जबरदस्ती पढ़ना है। जिस पढ़ाई का उपयोग ना हो पाए, हमारे भेजे में नहीं जा रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्यों लोग 10-10 साल यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, मजदूरी करते हैं, जबरदस्ती। जितना रटोगे उतना यहां तनाव पैदा होगा। रटने का मतलब कि मुझको मजा नहीं आ रहा लेकिन मैं ठूस रहा हूं, रटने का यही मतलब है कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, बस मैं ठूस रहा हूं अंदर, किसी तरह भर जाए। तो कोई डॉक्टर जब कोई खाना बता देता है कि इसको खाओ, तुम्हारा मन नहीं तो तुम कहते हो ठूस ही तो रहे हैं, बैठो। तो तुमको बिरयानी पसंद है तो कितने चाव से खाते हो, वो चार चार प्लेट खा जाते हो। जहां चाव है, इंटरेस्ट है, वहां तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, अनायास। मेहनत तो है लेकिन मजा आ रहा है ना। एक तरफ कच्चा करेला रखा है, कच्चा करेला, और एक तरफ तुम्हारे चॉइस की रखी है कोफ्ता, कच्चे केले का कोफ्ता। अब दोनों में से किसको खाने में तुमको श्रम कर, खाने में तो दोनों श्रम है लेकिन एक में पता नहीं चलेगा, कोफ्ते को खाने में पता नहीं चलेगा। मेहनत हो रही है लेकिन तुमको मजा इतना आ रहा है कि तुमको पता नहीं चल रहा है कि मजा लग हो रहा है। मेरी बात समझ रही हो ना। और कच्चे करेले में आंख से पानी, नाक से पानी, कान से पानी, कोई गन लेके बैठा खा लो, मत डालेंगे साल। तुमने पढ़ाई को ऐसे बना लिया, तुमने पढ़ाई को करेला खाने के समान बना लिया, और तुम सब परेशान हो, और तुम्हारी परेशानी का फायदा सब लोग उठा रहे हैं। तुम लोगों ने पढ़ाई को बोझ बना लिया यार, दर्द। जैसे डायबिटीज का रोगी है, वो तो अपने जीवन को दर्द बना के मीठा नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते हो यार, एकदम खा सकते हो, एक लड्डू 5 किलोमीटर। ये कौन तुमसे कह दिया तुम मीठा नहीं खा सकते हो, एक लड्डू 5 किलोमीटर, एक लड्डू खा लो 5 किलोमीटर चल लो। ऐसे ही से नहीं चलना, ऐसे ही से चलना है। 2 लड्डू 10 किलोमीटर, 3 15 4 20, और एक डब्बा खा गए तो यहां से आगरा तक दौड़ जाओ। डायबिटीज तुमको खाने से मना नहीं करती, यही तो नेगेटिविटी समाज में फैला दी। डायबिटीज तुम्हें खाने से मना नहीं करती, वो जो दूसरा वाला काम है उसको तुम ध्यान ही नहीं देना चाहते। अरे अब 4 लड्डू खाक 20 किलोमीटर चले तो हराम खोरी करोगे, क्योंकि भगवान तो बराबरी का सबको दर्जा देता है। तो रिक्शा वाला एक मुट्ठी चीनी फाक के दिन भर रिक्शा चलाता है, शुगर लेता रहता है क्योंकि उसको जरूरत है। तुम इतना बड़ा पेट निकाल के दिन भर मचिया लेटे हो, तुम्हारे यहां 20 लाख रुपया महीना किराया आ रहा, तो नेचर तुमसे कुछ नहीं कराएगा। नहीं तो रिक्शा वाला जाके ऊपर कहेगा नहीं कि मालिक हम ही मिले थे मजदूरी कराने के लिए, तो भगवान कहेगा भाई तुमसे ही नहीं कराए, ये सेठ घनश्याम दास इधर आवे। बोले इनका तो हम खाना ही छीन लिए। जो मेहनत नहीं करेगा भगवान उसको खाना खाने नहीं देगा, यही है डायबिटीज। डायबिटीज कोई बीमारी थोड़ा है, ये तो उसका मैनेजमेंट फॉर्मूला है। उसका 500 करोड़ रुपया रखे हैं, BMW पे चल रहे हैं, पर बनाना शेक नहीं पी सकते हैं। तुम मर्सिडीज देख के कह रहे हो कि BMW देख के यार हमारी किस्मत। एक तरफ तुम एक गिलास बनाना शेक पी रहे हो,
उसका तुम्हें खुशी नहीं है, है? गन्ने के जूस में दही डाल के पियो, कितना मजा आता है, मट्ठा। किसी डायबिटीज के पेशेंट को पिलाओ, लेट जाए तुरंत। एक जग गन्ने का जूस और उसमें दही और पी लो, कितना आनंद। अभी देखो चौसा आम बाजार में है इस वक्त, बाजार में दो आम है, दोनों मीठे का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, एक सफेदा एक चौसा। एक आम खा लो दोपहरिया, सो दिन भर लेट। लेकिन कि देखो मालिक डॉक्टर ने क्या कहा, कहा डायबिटीज बीमारी है, मत खाना। डायबिटीज बीमारी नहीं है, डायबिटीज है नेचुरल मैनेजमेंट। रिक्शा वाला खा नहीं पाएगा और तुमको खाने नहीं दूंगा। जब तुम रिक्शे वाले के बराबर मेहनत करोगे, आओ पैसा कमा लिए तो क्या आतंक मचाओगे? अगर पैसे वालों को डायबिटीज नहीं होती तो मिठाई की दुकान खाली होती सब, क्योंकि मीठा खाने से ऊर्जा बढ़ती है। हर चीज में ग्लूकोज होता है, ऐसा थोड़ी मिठाई में मीठा होता, ग्लूकोज होता है। आटा रोटी चावल, और जब तक 2 किलो चावल मटन डाल के ना खाओ दोनों हाथ से इसे भर भर के, तब तक जीवन का क्या मजा है यार। भाई जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए नॉनवेज, जो दाल चावल खाते हैं उनके लिए दाल चावल, 2 किलो दाल चावल उसमें दाल सब मिला के चोखा ओखा, और तुम ना चावल खा सकते हो ना आलू खा सकते हो, जौ की रोटी बना। कल मैंने ट्विटर पर लिखा कि अमीरी तुमको महान बनाती है और पैसा मूर्ख। पता नहीं किसको समझ में आया, एक आदमी ने लिखा है कि दोनों में फर्क क्या है। अमीरी मतलब जब तुम 5 किलो मीठा खा सकते हो तुम अमीर हो, पर तुम्हें अपनी इस अमीरी का एहसास नहीं है। तुमको लगता है जिसके पास पैसा है वही अमीर है, और यह भ्रम किसने पैदा किया? शिक्षा ने। यह भ्रम किसने पैदा किया? वो बासी रोटी खाया करो, बासी रोटी, सरसों का तेल, सेंधा नमक और प्याज। कल मैंने कहा था क्या घी? अरे घी तो और मस्त है यार, हमको तेल का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। सरसों का तेल कोलेस्ट्रॉल काटता है, पैदा नहीं करता, उसकी खासियत है। घी में एनर्जी बहुत है, गाय का घी खा लिए 10 दिन तो पता लगा यहां से लेके बरेली तक पैदल चले गए। सीमित एनर्जी लेनी है ना, पता लगा बरेली में घूम रहा हूं, पूछे कहां? बोले मास्टर साहब घी खा रहे थे, यादव गुजर जाट सब क्यों पढ़ने से भागते हैं, एक बाल्टी दूध पी गए, इतना घी कटोरी में पी गए उठा के, अब ज्यादा बन गई, ज्यादा हो गई, अब लाठी उठी। शायद ही कोई, अब तो खैर नहीं है, हमारे समय में शायद ही कोई यादव यादव का लड़का होता था जो लाठी ना चला ले। खाई पी शरीर गमछा बांध के भैंस पे बैठे कूद के, नहीं वो घी का ही कमाल था। तो शहर वाले लड़के ये सब तो पन्नी वाला दूध पीते हैं, तो पाउच में आता है वो दूध, थोड़ा है वो तो रंग वंग डाल के पानी में बना दिया कि ले जे। तुम गाय घर का दूध पी के देखो और ये दूध पी के देखो, जमीन आसमान का फर्क, इसमें जहर पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है।
क्या हुआ? टेंशन में लग रही हो? अभी तक तुम जब पढ़ते थे तो तुम कुछ भी पढ़ते थे, तुमको पता ही नहीं था कि पढ़ना क्या है। तुम लोग ये बात मान लो कि तुम लोगों को इतनी उल्टी सीधी मेहनत कराई जाती है ना तुम लोगों से, डरा डरा के। बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, सबका नहीं होता है, दिन रात पढ़ना पड़ता है, मारा जूता निकाल लोगे, दिन रात पढ़ना पड़ता है, कोई भगवान बनने जा रहे हैं? तुम्हारे सामने एक पिक्चर बना दी गई है कि बहुत कठिन एग्जामिनेशन है, सबका नहीं होता। वो मौलाना दिन भर मस्जिद में बैठा है, पुरोहित दिन भर मंदिर में बैठा, उसको भगवान नहीं मिला, कबीर को मिल गया, जुलहे को, क्योंकि जुलहे को तरीका पता है, नहीं पता है? तो पुरोहित और मौलाना क्या कहता है कि अल्लाह सबको नहीं मिल सकता, यही तो कहता है। भगवान उसी को मिलता है जिसका हृदय सच्चा है। तुम्हारा सच्चा है? अभी कैसे पता करोगे तुम्हारा हृदय सच्चा है कि नहीं? कंडीशन ऐसी लग गई। बिजनेस का नियम है, सामने वाले के सामने ऐसी कंडीशन रख दो कि पूरा ही ना कर पाए। एक पंखा वाला पंखा बेच रहा था, मेरा पंखा अमर पंखा 100 साल तक चलेगा। राजा के महल से गुजरा चिल्लाते हुए कि मेरा पंखा अमर पंखा 100 साल तक चलेगा। राजा ने बुलवाया, कहा पे 100 साल तक चलेगा? कहा 100 साल तक चलेगा साहब। कहा नहीं चला तो? कहा अरे तो आपकी उम्र कौन सी खत्म होने जा रही है, गारंटी है 100 साल तक चलेगा। फिर राजा ने कहा बेटा अगर टूट गया ना मेरे मरने से पहले तो इतने छोटे छोटे टुकड़े में करवाएंगे तुमको। बोले गारंटी साहब, टूटेगा ही नहीं। उसने ले लिए 10 पंखे, एक उठा के हिलाया, 5 मिनट में पंखा सब बिखर गया चारों तरफ। अरे सैनिकों को दौड़ाया, उसने कहा पकड़ के लाओ इसको, बदतमीज को। वो तब तक राजमहल के आगे ही थोड़ी दूर खड़ा था। कहा सैनिक पकड़ लिया, क्या हुआ? कहा पंखा टूट गया। कहा टूट गया? पंखा टूट ही नहीं सकता यार। कहा चल, पंखा टूट नहीं सकता, ले गए सब। राजा ने बारी बारी 10 हिला डाला, 10 टूट गया। राजा तो तमतमाया, लाल एकदम आया पंखा वाला। कहा तुमने तो कहा था पंखा नहीं टूटेगा। हाँ बोले बिल्कुल नहीं टूटेगा। बोले ये देखो सब 10 बिखरे हुए हैं। कहा कैसे कैसे कर रहे थे पंखा? कहा कैसे कर रहे थे मतलब? जैसे लोग करते हैं इसे कर रहे थे, इसे उठा के जैसे हिला रहे थे। हाँ बोले गलत, यही तो गलती कर गए, पंखा ऐसे पकड़ के सर हिलाना है। पंखा थोड़ी हिलाना है, पंखा हिलाओगे तब तो टूटेगा ही। तुम्हारा तरीका गलत था, पंखा नहीं हिलाना। देखो 28 दिन का रिचार्ज कंपनियां देती हैं, अरबों का धंधा करती है सिर्फ उसी छोटे राजनीति से, कोई विरोध है नहीं करता, सब मस्त है YouTube देखने में। तो धीरे से 27 करते किसी को पता ही नहीं चलेगा। और कैसे प्यार से फंसाया, अनलिमिटेड डाटा देकर आदत पड़वाया। पॉटी में बैठे हैं, 2 घंटा हो गया। बोले भैया, बोले सीरीज देख रहे हैं, पॉटी तो हो गई। फिर बाहर निकल कर कह रहे हैं कि
नौकरी नहीं मिल रही, समाज बहुत खराब है, मोबाइल रखना छोड़ दो, 1500 का वो मोबाइल लो छोटा वाला, ये वाला जो है इससे सिर्फ पढ़ा करो, बाकी इसको दिन भर बंद रखो। सैमसंग नोकिया वोकिया का आता नहीं 1500 का, उसको दिन भर अपने पास रखो, उसमें 5-6 नंबर रखो, फालतू में रिश्तेदारी करने की क्या जरूरत है।